तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर में लाइट मेट्रो के संचालन के दिशा में तेजी से काम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 के लिए अप्रूवल मिल चुका है। ये जानकारी खुद योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट कर दी। इसके लिए उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट किया। गोरखपुर में 3 बोगियों वाली लाइट ट्रेन को दौड़ाने का प्लान है। राइट्स और लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने DPR शासन को भेज दिया है। गोरखपुर और वाराणसी मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है मेट्रो लाइट के प्रस्ताव को जल्द ही केंद्र से हरी झंडी मिल जाएगी। इस मेट्रो लाइट पर टोटल 14 स्टेशन होंगे। DPR के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को बनाने में 4,589 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए 2 फेज तय किए गए हैं। पहला रूट 15.14 किलोमीटर लंबा होगा, जो श्याम नगर से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तक होगा। इस रूट पर टोटल 14 स्टेशन होंगे। दूसरा रूट 12.70 किलोमीटर लंबा होगा, जिस पर 12 स्टेशन होंगे। ये रूट गुलरिया से नौसोड़ तक होगा। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।